क्या ड्राइवरलेस कार और ड्राइवरलेस व्हीकल्स ही इसका समाधान है, क्योंकि उस पे काम हो रहा है? आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा, मेरा विरोध है इस बात। मैंने अमेरिका में जाहिर किया था कि ड्राइवरलेस कार को इंडिया में आने नहीं दूंगा। इसका कारण, हमारे देश में ड्राइवर के रूप में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिला, और अगर आप ड्राइवरलेस कार लाएंगे तो ये लोगों की नौकरियां जाएगी। तो ये हमको, हमारे देश में पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल ग्रोथ, इसमें हमारा बड़ा एक्सपर्टाइज है। तो इसलिए अभी ये इसको आप ये ड्राइवरलेस वगैरह बातें बहुत अच्छी होगी, जहाँ कम लोक संख्या वहाँ चलने दो, यहाँ आएंगे और करीब 70-80 लाख लोगों के एकदम जॉब चले जाएंगे तो नहीं समस्या। अगर ड्राइवरलेस कार नहीं आएगी बट क्या टेस्ला की गाड़ी आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल? टेस्ला को आने में कोई अड़चन नहीं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, पर चाइना में बनाकर यहाँ बेचना और उनको टैक्स कंसेशन चाहिए, यह संभव नहीं है। हमारे देश में आए, मैन्युफैक्चरिंग करें और यहाँ बेचे, वेयर ओपन हो गए। एक आखिरी विषय, क्योंकि समय की कमी है, और ये हमने सेफ्टी की बात की, व्यक्तियों की भी, नियमों की भी, बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे जिम्मेवारी आती है। मुझे याद है कि जब आपने ही हर सीट पे एयरबैग हो, इसके लिए बहुत बड़ा आपने पूरा अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगा दिया इस विषय पे, और ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है, पर इंडस्ट्री ने शायद कहीं ना कहीं, पूरी इंडस्ट्री ने आपका साथ नहीं दिया। आपको दुख हुआ क्या इस बात का? नहीं नहीं, देखिए पहले बात तो हमने अब स्टार रेटिंग लाया, फिर 2-3 बड़े कंपनियों ने स्टार रेटिंग के बारे में एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी कि हमको स्टार रेटिंग है। अब वो स्टार रेटिंग के एडवर्टाइजमेंट से जो लोग करते नहीं थे वो भी करने लगे, और सब 6 एयरबैग में चले गए। थोड़ा सा कुछ लोगों ने विरोध किया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे एक आखिरी विषय, क्योंकि ईवी की बात हुई, और अभी अपने देश की ही कंपनी और ग्रुप JSW ने एक चाइनीज कंपनी के साथ अग्रीमेंट की है, और संभवतः ग्रीन कार्स, ईवी कार्स के लिए वो काम करेंगे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हर कोई कहता था चाइना की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, आपने शुरुआत में आंकड़े जताए, क्या ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन कंपनी ने, टाटाज ने बाहर जाके उस समय पे लिया था? देखिए ये समुद्र है, जिसको आना है आओ, जिसको जो करना है करो, तो भी पेट्रोल डीजल का इम्पोर्ट कोई कम होने वाला नहीं है। लोग मुझे पूछते हैं अभी 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का है, हम कितना भी पटक लें तो अभी 3-4 साल में वो 24 लाख करोड़ का होगा, और हमारे लिए समस्या। अब इलेक्ट्रिक का ऐसा हुआ कि पहले लोग पूछते थे कि बंद हुई तो क्या होगा, क्या कोई धक्का मारेगा क्या, मुझे सवाल पूछते थे। अब मेरे पास आते हैं कि आउट ऑफ टर्न मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, आप मेरे को पत्र दो और भी दो। अब इतना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक बसेस हमारे देश में 86,000 बसेस तैयार होती है, अब 2 लाख बसेस चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक में जो लिथियम आयन बैटरी है वो $150 पर आवर पर किलोवाट उसका रेट था, अब वो $115 पे आया है। जिस दिन वो $100 पर आएगा, और आने की संभावना है जल्दी ही, तो पेट्रोल और डीजल व्हीकल की और इसकी कीमत सेम होगी। अभी कल वैद्य साहब आए थे, मैंने पेट्रोल मंत्री जी को मेरी गाड़ी में दिया बिठाकर, उनको बोला इसमें जाओ, वो फ्लेक्स इंजन की इनोवा थी, अब वो इथेनॉल पे चलती है, और इथेनॉल पे चलने के बाद 60% बिजली तैयार करती है, और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का भाव 120 रुपये, इथेनॉल का 60 रुपये। अगर ये अभी सुजुकी, मारुति सुजुकी सबके अगर फ्लेक्स इंजन आएंगे, अभी बजाज और TVS और हीरो की स्कूटर मोटरसाइकिल आ गई, अब साहब ने कल मान्य किया कि हम इथेनॉल के पंप तुरंत खोलेंगे, तो देश में पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग होगा। अभी बेंगलोर में मैंने मिथेनॉल का, उस समय भी वैद्य साहब थे, हमने टाटा अशोक लीलैंड ने मिथेनॉल की ट्रक लॉन्च की, और हम मिथेनॉल जो है कोयले से बनता है, तो उसका रेट है 22 रुपये लीटर, वो डीजल में 15% डाल के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया, तो मिथेनॉल को यूज करें। हम परली से बायो CNG, बायो LNG के करीब 180 प्लांट प्रोसेस में 40 शुरू हो गए, तो हमारा ट्रैक्टर बसेस उसमें चलेगी। फिर ग्रीन हाइड्रोजन पर काफ़ी काम हो रहा है, और मेरे पास भी गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। मैं तो पेट्रोल डीजल साफ बोलेंगे, मैं इसके विरोध में प्रचार करने के लिए पूरी तरह कूद गया हूँ, ये यूज मत करो, फिर भी मैं इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका कारण, इतना बड़े प्रमाण पर व्हीकल्स तैयार हो रहे हैं, और आने वाले समय में हाइड्रोजन, इथेनॉल, मेथेनॉल, डीजल, बायो LNG, बायो CNG, अब मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ दिल्ली से जयपुर, वो केबल पर बस चलेगी, 100 लोग बैठेंगे, बिजनेस क्लास होगा, इकोनॉमिक क्लास होगा, लैपटॉप लगा होगा,
जैसे हवाई जहाज में चाय नाश्ता मिलता है वो भी मिलेगा, और उसका टिकट रेट डीजल और बस की तुलना में 30% कम होगा। वाह, तो वो नेचुरली लोग उपयोग करें। अब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट हवा में चलने वाली डबल डेकर बस बना रहे हैं, काफी ये कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये भी ऑप्शन है। और मुझे लगता है हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। जो मैंने विजन की बात की उसमें निश्चित रूप से आईएम ने अभी हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से बनता है, पेट्रोलियम से ब्राउन हाइड्रोजन बनता है, और हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से मिथेन निकालकर उससे अगर हाइड्रोजन बनाने की दो टेक्नोलॉजी आई है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट केमिकल इंस्टीट्यूट बेंगलोर की है और डॉक्टर यादव साहब ने मुंबई में उनने भी तैयार की है। तो मुझे लगता है कि हमारा एक चैलेंज है कि आज हाइड्रोजन की कीमत करीब 300 रुपए किलो आती है, हमको उसको $1 के नीचे लाना है और ये संभव होगा। तो 1 किलो हाइड्रोजन इक्वल टू 3 to 4 लीटर ऑफ डीजल,